अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। अगर हमारी पत्नी पे उसके चरित्र पर किसी ने भी सवाल उठाया तो उस सवाल का जवाब ना हम आग के गोलों से देंगे। ये राघव बस, अब बस करो तुम लोग। अब हमारी बहुरिया रेवा से कौनो कोई सवाल नहीं करेगा। बात गांठ मार लो सब लोग, रेवा इस घर की बहू है। और हमें अपने घर की बहू को पूरा सम्मान देना होगा। बहुरी जाओ अपने कमरे में जाके आराम करो। आप लोग भी जाइए, हो गई मुंह दिखाई की रसम, जाइए। लड़की पहले से शादीशुदा है। विधवा को तो इस घर की बहू बना के ले आया है? लड़की तो विधवाओं के नाम पे कलंक है। एक औरत की भी कौनो मर्यादा होती है। ई लड़की ने सारे शर्म मर्यादा तोड़ के हमरे बबुआ को फंसा दी। लड़की पहले से शादीशुदा है। हमरे राघव को फंसा दी। अरे सिर्फ राघव को ही नहीं, सबको धोखा दिया है लड़की। बहुत चार बात लड़की है। रेवा जी, एक बार हमारी बात सुन लीजिए। क्या सुने? जो कुछ भी हमने अभी सुना वो काफी नहीं था तुम्हारे लिए। आज तुम्हारी जबरदस्ती की शादी की वजह से कोई भी हमें आके कुछ भी सुना के चला जाता है। अब समझ में आ रहा है तुम्हें कि हम क्यों तुमसे शादी नहीं करना चाहते थे? क्योंकि तुम हमारे सपनों पे तो पूर्ण विराम लगा सकते हो, लेकिन दुनिया के मुंह पर और उनके तानों पर नहीं। तुम चाहे कितना भी अच्छे बनने की कोशिश करो, लेकिन ये दुनिया इतनी अच्छी नहीं है। अब तुम्हारे इस जबरदस्ती की शादी के वजह से हमें जबरदस्ती सबके ताने सुनने पड़ेंगे। जी लोगों का काम होता है बोलना, अब छोड़िए ना उन लोगों को। अब काहे परेशान हो रही है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग कुछ भी बोले। लेकिन हमें फर्क पड़ता है हमें फर्क। इसीलिए दुनिया के सुनाए गए हर तानों के जिम्मेदार तुम हो, हम पर उठाए गए हर सवाल के जिम्मेदार तुम हो। सिर्फ और सिर्फ तुम। नहीं रह सकते तुम्हारे साथ, तुम जाओ यहां से।
चाहे तो हमारी जान ले लीजिए, मार मार के हमारी चमड़ी उधेड़ दीजिए, अरे हमारा गला काट दीजिए, लेकिन हम उरेवा को अपनी बहू नहीं मानने वाले। सुनिए ना, आप राघव को समझाइए ना, उनको बोलिए ना कि वो ये शादी तोड़ दे। अरे हमारा बेचारा राघव वो लड़की के इश्क में घर वालों से सारे रिश्ते खराब कर रहा है, आप उनको समझाइए ना। अरे कुछ बोलते काहे नहीं, अपने बबुआ की जिंदगी बर्बाद होने का इंतजार कर रहे हो क्या? ए, चुप कर वरना सच में तुम्हारी कान उधेड़ देंगे। अरे माँ की ममता में इतनी अंधी ना हो जाओ कि अपने बेटे की करतूत दिखाई ना दे। सुना नहीं तुमने कहा रीवा ने? रीवा तो उससे शादी करना ही नहीं चाहती थी, तुम्हारे बेटे राघव ने उसे जबरदस्ती शादी की है। नहीं नहीं ऐसा नहीं है। अरे वो लड़की नहीं, उनको शादी के लिए उकसाया होगा। अरे हमारा बबो तो बहुत ही नादान है। नादान नहीं है वो, नालायक है। नालायक वो नालायक जिसने अपने बाप की इज्जत को पैरों तले रौंद दिया और जिसने वो लड़की के विधवा होते हुए भी वो लड़की से शादी की है। अरे जिसे हम हुक्म का हिक्का समझते थे वो असल में खोटा सिक्का निकला, खोटा सिक्का। और जब हमरा ही सिक्का खोटा निकला तो हम रीवा को कुछ नहीं कह सकते, हमें उनको अपनाना ही होगा। चाहे भगवान भी आके हमसे मिन्नत करेगा, हम तब भी रेवा को नहीं अपनाने वाले। अरे बहू के लिए हमने भी कुछ अरमान थे। अरे तुम वो अरमानों पर पानी डालो और नए अरमानों को जन्म दो। कहा है कि वो लड़की ये घर की तकदीर बन चुकी है, ये बात को हमें मानना ही होगा। नहीं, वो लड़की हमारी बहू कभी नहीं बन सकती। अरे वो लड़की तुम्हारे घर की बहू बन चुकी है, अगर हमने एक भी कदम उनके खिलाफ उठाया ना तो हम अपने बेटे को खो देंगे। इसलिए जितना हो सके जल्दी हीरा मौसी की बात को मान लो और वो लड़की को बहू के रूप में स्वीकार कर लो। एक तो ये मौसी जी ना बिना मतलब क्या के हमरे मामले में टांग अड़ा रही है, और तो और जसन में भी रेवा की तारीफें करती जा रही थी। अरे पता नहीं एक ही दिन में इतना कौन सा प्यार हो गया उसको रेवा से। खबरदार, जो हीरा मौसी के खिलाफ एक भी शब्द कहा वो हमारी मौसी नहीं माँ के समान है, माँ के समान। हमारी माँ की मौत के बाद हीरा मौसी ने हमें पाला है, समझी, उन्हें हमें पाला है। उनकी सलाह कभी गलत नहीं हो सकती। अब देखिए जननी एआई की कहानी 3 दिन पहले दंगल प्ले ऐप पर। आराम लग रहा है मौसी जी? हाँ लग रहा है थोड़ा आराम। ए बिंदिया। हाँ मौसी जी। एक बात सच्ची सच्ची हमको बताइए का? हाँ पूछो। लता और गायत्री बहुरिया नायकी बहुरिया से इतना नफरत काहे करती है, मामला का है? अरे मौसी जी अब आप ही सोचिए कि वो लड़की ई घर में बच्चा को संभालने के लिए आई थी, लेकिन अब वो इस घर की बहुरानी बन गई है तो मिर्ची तो लगेगी ना। तो ये में मिर्ची लगने वाली कौन सी बात है? हमारी नायकी बहुरिया कितनी अच्छी बच्ची तो है। अरे मौसी जी आप बहुत भोली हो, वो लड़की ना एक नंबर की चालाक, चंट और खतरनाक है। दादी, दादी आपने रेवा जी को कहीं देखा है का? नहीं बबुआ, वो दिखाई के रस्म के बाद तो दुल्हन सीधा अपने कमरे में गई थी, क्या हुआ? हाँ राघव भैया हमको भी कहीं नहीं दिखी। अरे हमने उनके कमरे में भी उन्हें देखा लेकिन वो वहां भी नहीं है। तो उनका फोन भी नहीं लग रहा है, स्विच ऑफ आ रहा है।
जतिन बंटी तुम दोनों अभी के अभी घर से बाहर जाओ और देखो कहाँ है रेवा जी, ढूंढो जाके उन्हें। जी भैया। जी भैया। हे कान्हा जी, हमारी बहुरिया किसी को बिना बताए कहाँ जा सकती है? की बेइज्जती करने के लिए बहुत ही दूर जा सकती है, इसीलिए हमारी बात मानो, जितना जल्दी हो सके राघव और रेवा को अलग कर दो। अलग कर दो नहीं, इन्होंने हमें अलग कर दिया है। बोलिए कहाँ है हमारी रेवा जी? अरे हमें क्या पता कहाँ है तुम्हारी रेवा जी, तुम्हारी पत्नी है, तुम खबर रखो। बाबूजी हमारी मर्यादाओं को मत ललकारिए, बताइए कि हमारी रेवा जी कहाँ है, अम्मा इनसे पूछो हमारी रेवा जी कहाँ है। ए, ये तुम हम पर आरोप नहीं, हमरा अपमान कर रहे हो। अगर हम चाहते तो तुम्हारी रेवा को तुम्हारे नाक के नीचे से गायब कर देते और तुम्हें पता भी नहीं चलता, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया, इसलिए तुम हम पर आरोप ना लगाओ। हम आप पर आरोप नहीं लगा रहे, हम अच्छे से जानते हैं कि रेवा जी को आप ही गायब किए हैं। ये जो आप ऊपर से प्यार का नाटक करते हैं ना, अंदर ही अंदर हम जानते हैं कि रेवा जी से नफरत करते हैं आप, नफरत। तो ये अच्छाई का मुखौटा हटाइए और बचाइए गायब रेवा जी। शुक्र मानो कि तुम हमारे बिटवा हो, नहीं तो तुम्हारी जबान निकाल कर काट देते हम और तुम्हें बेजुबान बना देते। और एक बात, ये हमारा कमरा है, यहां तुम्हारी कोनो जरूरत ना है, यहां से निकलो, निकलो यहां से। अम्मा, अगर हमारी रेवा जी पे हल्की सी भी खरोच आई ना, तो हम भूल जाएंगे कि आप लोग हमारा परिवार है। परिवार में किसी ने नहीं देखा बोरिया को जाते हुए, ऐसे कैसे हो सकता है? दादी हमें ना ऐसा लग रहा है कि रेवा जी कोनो बहुत ही बड़ी मुसीबत में है। हे प्रभु, ए लियो, अब ये लड़की रेवा गायब हो गई, कहीं बाबूजी ने फिर से कोई खेल तो नहीं खेल दिया? ए छोटे, जरा आंगन में और छत पर देख कर, कहीं वहां तो नहीं? अरे भैया पूरे घर में छान लिए, कोना कोना देख लिए, वो वहां भी नहीं है। एक तो इतनी बार फोन कर, हजार बार फोन किए उन्हें, वो उठा ही नहीं रही है। भैया हर जगह ढूंढ लिए, भाभी कहीं नहीं मिले। हम बता रहे हैं, अभी तक हम इसलिए चुप हैं क्योंकि आप लोग हमारा परिवार है, और अगर हमें मालूम पड़ा ना कि हमारे परिवार नहीं हमारे प्यार को हमसे छीना है, तो हम चुप नहीं बैठेंगे। हम जा रहे हैं रेवा जी की गुमशुदा होने की रिपोर्ट करवाने के लिए। रेवा जी को जिसने भी गायब किया होगा ना, हम उसे बख्शेंगे नहीं।
बताइए। जिसके लिए अपनों से लड़ रहा था वो कहीं घूम टहल के आ रही है आराम से। ले अब। रेवा जी आप कहां चली गई थी? आपको मालूम भी हम कितना परेशान हो गए थे। अगर आपको कुछ चाहिए था तो हमें बताया होता ना, हम लेकर आते आपके लिए। बताइए आप कहां गई थी? बोलिए रेवा जी। ये बोरिया कहां चली गई थी तू? तो का पता हम सब कितना चिंता में थे तोरे लिए। इन कागजों पे साइन करो। किस चीज का कागज है ये? ये कागज नहीं, कयामत है। क्योंकि हम तुम्हें तलाक दे रहे हैं। साइन कीजिए इन कागज पे और आजाद कीजिए हमें इस दिखावे के रिश्ते से। बस अब बहुत हो गया ये जबरदस्ती का रिश्ता। साइन करो और खत्म करो इसे। ए बबुआ, कौनो लड़की को जबरदस्ती अपने साथ रख के कौन सा तुझको का प्यार मिल जाएगा है? कर दो दस्तखत और दफा करो इको। और का वैसे भी ये लड़की को शादी मंजूर है कहां थी है? फिर काहे जबरदस्ती इसके माथे पे शादी का तमगा थोपना? तू साइन कर दे फिर सोच। तू भी आजाद, ये भी आजाद, कलेसी खत्म। यह आपका आखिरी फैसला है? हाँ, ये हमारा आखिरी फैसला है। हम नहीं रह सकते इस छोटी शादी के दिखावे में। और वैसे भी हमारा दम घुटता है इस घर में, तो हमें जाने दो। रेवा जी, ये कागज का मामूली टुकड़ा आपका और हमारा भविष्य तय नहीं कर सकता। हमारी शादी आपके लिए कोई बड़ी चीज नहीं है, हम जानते हैं। लेकिन जब हमने आपकी मांग में ये सिंदूर भरा था ना, तो हमने कसम खाई थी
कि 7 जन्मों तक आपका साथ निभाएंगे। और ये 4 मामूली टुकड़े हमारे 7 फेरों पर भारी नहीं पड़ सकते। इसीलिए हम इन कागज पर दस्तखत नहीं करेंगे। शादी सिर्फ रस्मों से नहीं होती है, बल्कि 2 दिलों का मिलना भी उतना ही जरूरी होता है। लेकिन हमें लगता है कि हम अपना दिल तुमसे कभी नहीं जोड़ पाएंगे। आपका दिल है रेवा जी, कोई पहाड़ की चोटी नहीं जिस तक हमारा प्यार पहुंचेगा नहीं। हम वादा करते हैं आपसे कि हमारा प्यार आपके दिल में टंका बजाएगा बहुत ही जल्दी।